आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इस डर को रोकने के लिए पार्टी ने रविवार को 14 सीनियर नेताओं के साथ स्ट्रेटजी बनाई है। इस मीटिंग में नेताओं को राज्यों में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। इस मीटिंग में अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत इलेक्शन मैनेजमेंट के सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कुल वोट वैल्यू करीब 10,98,000 है और राष्ट्रपति चुनने के लिए करीब 5,49,000 वोट चाहिए। भाजपा नीत गठबंधन के पास कुल 5,45,000 वोट हैं। हालांकि पार्टी बहुमत जुटाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ लगातार संपर्क साध रही है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियों में भाजपा के भीतर क्रॉस वोटिंग हो जाए तो जीत सुनिश्चित कर पाना मुश्किल हो जाएगा और जीती हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चली जाएगी। इन सब के बीच भाजपा को सबसे ज्यादा डर बंगाल, राजस्थान और बिहार में है। बंगाल भाजपा में पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा उथल पुछल मची। एक साल में 7 विधायक और 2 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के बाद भाजपा अलर्ट हो चुकी है। राजस्थान में व्हिप जारी होने के बावजूद अंतिम वक्त में भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग कर दी। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी अलर्ट है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में सहयोगी दल जेडीयू का रुख भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगर जेडीयू ने समर्थन देने का ऐलान नहीं किया तो वहां भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक सांसद वोट डालते हैं। इन सदस्यों के लिए व्हिप जारी नहीं होता, जिससे राजनीतिक दलों के लिए क्रॉस वोटिंग का खतरा बना रहता है। अब इन सबको लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कमर कस के तैयार हो चुकी है। बीजेपी ने अपने विधायकों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है और इसी कोशिशों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी को अपने हाथों में लिया है। जेपी नड्डा के साथ मिलकर अमित शाह बंगाल, राजस्थान और बिहार को एक बार फिर से साधने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। देखना होगा अमित शाह के बड़े फैसले और अमित शाह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।